चले जी, नए सियापे पड़ गए, नए कट्टे खुल गए, इन कट्टों को बांधने की कोशिश करते कुछ सच बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई होप एवरीवन सेल्फ बी हेल्दी विद योर फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू पर्सन माय होम, ब्रदर सिस्टर गर्ल बॉय एंड एवरीवन। थैंक यू सो मच बैटर माय हार्ट माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। चकते फटते नपते किल्ली ठोको ताली जो बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात कर लेते, तारा यासीन का व्लॉग नहीं आया, सब लोग बहुत परेशान है, कुछ क्या बोल रहा है, कुछ क्या बोल रहा है, बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। मुल्तानी ने कह दिया कि शायद कोसर की और साजिद की लड़ाई होगी। मुल्तानी ने कह दिया है कि हो सकता है उसकी माँ जो है सलमा के पास है वो बीमार होगी होगी। मुल्तानी ने कह दिया हो सकता है सितारा की तबीयत खराब होगी। मुल्तानी ने कह दिया हो सकता है उसके बेटे की तबीयत खराब होगी। मुल्तानी ने कह दिया हो सकता है कि कोसर की साजिद की या पिस्तारा की या कोसर की या साजिद की अनबन हो गई होगी। या फिर मुल्तानी ने यह भी अपनी लाइव में बैठ कर कह दिया कुछ ना कुछ तो चक्कर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ा है, क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई। मतलब इतनी ज्यादा जो अफवाहें उड़ाई गई हैं, ये मुल्तानी अपनी लाइफ में बैठ के जी बहुत सारी ऐसी बातें की। अच्छा जी, मुल्तानी के साथ साथ मुल्तानी की और सी बहुत सी बातें हैं जिसके ऊपर उनको हम जरा जवाब देंगे, देना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये कहती है कि माँ तो कुछ नहीं करती है, माँ तो कुछ नहीं करती, या ये मोटे डेलों वाली आंटी कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, सब हम लोग ही करते हैं, या कुछ भी नहीं करती। चलते हैं, सुनते हैं इनको जवाब देते हैं। न्यूज वाली बाजी तो थोड़ी को थोड़ा करती है। देखे मेरे चैनल को देख के बहुत सारे लोगों ने चैनलों के नाम चेंज किए हैं, ये याद रखे। ब्रांड यहाँ पे इनको ये जवाब देंगे। जब मैं आई थी यहाँ पे 3 साल पहले अपने चैनल पर, तो आप अभी भी देख रहे होंगे मेरा वही जो है चल रहा होता है, शुरू में स्टार्टिंग में मेरी न्यूज का वो आता है। इस बंदी ने मेरे को कॉपी की है। ये कहती है मैं ब्रांड हूँ, ब्रांड दे देख तो देखो, आए अल्लाह से अपा इन्ना वड्डा मुंह ते ब्रांड देखो, आए तबाही है ते विच रख के ने मैनू इंज 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 कहती है कि मैनू भी बड़ा ठोकना आंदा है, ओए सियापा अनु ठोकना आंदा आज कल, तो इतनी डर गई है, तुमने डर गई। कहती है दिलबर मार्केट में आ गया, दिलबर आके जवाब दे रहा है, दिलबर और बीच अंदर थानी जो है इसका दिल कुछ 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 कर रहा है कि मैं दिलबर के साथ दोबारा से सुलह कर लूंगा। ये मुल्तानी का यही। अच्छा चलो आगे सुनते हो, फेमस है, मैंने किसी से फेमस होने की लोड़ ही नहीं। मैं देखो इधर बात सुनो, मैं हूँ रिएक्शनिस्ट, रिव्यू रिएक्शनिस्ट, जो मैं बोलूंगी ना, जो न्यूज दूंगी उस हिसाब से पब्लिक आएगी देखने, वैसे नहीं आते लोग, ये याद रखें। अपनी पब्लिक आप बनानी पड़ती है। जो सितारा यासीन की पब्लिक को लेकर बैठी कहती अपनी पब्लिक आप बनाना, वैसे इन्होंने पब्लिक बहुत बनाई थी मतलब पिछले जमानों में, ओल्ड मूवियां जो इन्होंने खुद ही कहा कि जाओ देखो मेरी बड़े गन शन थे, बड़े पट्ठे छट्टे पता नहीं और क्या क्या लाचे शच्चे पहन के जी वो कर रही थी, तो बाकी पब्लिक इन्होंने बनाई थी। लेकिन ये जो पब्लिक इनके पास है, सितारा यासीन की पब्लिक है, ये इनकी पब्लिक नहीं है, ये न्यूज नहीं देती है। नहीं, ये न्यूज नहीं देती है, न्यूज का तो एक गला दबा देती है। न्यूज किसको कहते हैं, इसको तो कैमरा में देखना नहीं आता कि कैमरा लेफ्ट है के राइट है, अपा लेके डाउन है, इसको तो ये नहीं देखना आता, बाजी को आंटी जी को है बेंटो वाली आंखों को, इसको तो ये नहीं देखना आता, तो बाकी क्या रह जाता है। मैं जो बात करती हूँ उस पे अमल करने की कोशिश करूं। डरती डरती कौन है, डरता कोई भी नहीं है। इतने सारे मेरे बारे में झूठ बोले एक बंदी ने कल, बहुत ज्यादा, मैंने उसको भी ज्यादा जवाब नहीं दिया। हमारा लतीफ वालेकुम सलाम वेलकम हो गया, वरना एक ही बम में दम नहीं है उसके, झूठ था। सासु माँ थैंक यू, जरूरी था क्या, लव यू, हाय सबके। कहती है उसके एक एक लफ्ज में झूठ था, तो ये कसम खा के कह दे कि जब मरियम फहाद को आमना गलत मलत कह रही थी और उससे सबूत मांग रही थी और बहुत सारी बातें कर रही थी, क्या उस दौरान में ये औरत, वैसे ये लोग तो झूठी कस्में भी खा लेते हैं, दूर मत जाए, इसी की वीडियो पड़ी हुई है जाके सुन लें, जिसमें इसने कहा था और आमना ने भी कहा था कि मुझसे बातें करती है। खैर मुझे तो पहले से ही पता था, मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया, तो उसके बाद फिर आमना ने भी क्लियर किया, इस बंदी ने भी झूठी ने भी क्लियर किया, तो ये बंदी तब बातें करती थी उसके साथ और एक साइड पे मरियम को मरियम के कानों में डाला कि मेरे लिए आवाज उठाओ, देखो ज़किया क्वीन क्या क्या बातें कर रही है, तो वो तो बेचारी आ गई, उसने कहा चलो अब इसके लिए। और इससे पहले मैं बता दूं ये मरियम को पसंद नहीं करती, 2 साल रही हूं ना इसके साथ, मरियम को ही पसंद नहीं करती है। जब इसका मतलब होता है ना, इसको अपना उल्लू सीधा करना होता है, तब ये जाती है, रोती है, धोती है, कस्में भी देती है, बच्चों भी कस्में, मतलब बहुत मतलब कस्में ये औरत झूठी उठाती है। तो कहती है कि उस औरत ने, मैंने वीडियो डाली थी ना, क्योंकि यहाँ पे तो किसी में इतना दम नहीं है क्या के खुल बोला, खुलमा खुलमा बोले, मैंने बोला भाई जो सच है,
इसने तो अब मरियम के साथ वफादारी ना की। मरियम अभी भी इसके लिए आवाज उठाएगी, पता है ना, एक इंसान का पता होता है ना जिसका दिल इतना साफ हो, अच्छा हो, वो तो अभी भी इसके लिए आवाज। भाई वो मरियम सितारा की माँ ने मरियम को ठोका, मरियम पर बात की है ना, क्या कुछ नहीं कहा, पर मरियम का क्या हुआ, मरियम ने आई उसके लिए आवाज उठाई, मरियम ने आवाज उठाई ना, तो यहीं से साफ पता लग जाता है ना कि उसका दिल कितना अच्छा है। पर ये बंदी जो एक फसादन, ये फसादन है और ये दुश्मनों के साथ मिलकर ये हर एक को ठोक रही है और अभी भी ठोक रही है, अभी भी ठोक रही है। और जिन लोगों को लग रहा है ना कि जो लोग इसके साथ अभी मिल रहे हैं है ना जी, वो गलत फहमी में है, वो गलत फहमी में है। उनको शायद ये लग रहा होगा कि साजिद साहब उनकी भी बातचीत है, इसकी भी बातचीत है, ये उनके ज़्यादा करीब है। ये ऐसी बंदी है, इसका बस चले ना तो ये अपने आप को भी खा जाए। ये ऐसी बंदी है डॉलर की भूखी, लोगों को अपनी गलत गलत स्टोरियां सुना के, रोना धोना सुना के, हाल हवाल सुना के, लोगों से गिफ्ट लिए, पैसे लिए, क्या कुछ इस बंदी ने नहीं लिए भाई, क्या कुछ नहीं लिया। बोल देगी झूठ है, वैसे ये तो झूठ बोल देगी, तो कसम खा लेगी, तो अपनी कसम खा लेगी, सब झूठ है। इन लोगों के लिए कसम इस सब चीजें ना ऐसी है, यूं, 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 यूं आएंगे, यूं कसमें खाकर चैनल के लिए कर रही है वो। हाँ, उसको व्यूज आना शुरू हो गए ना आज अर्जेंट। अच्छा यार, मेरे नेट सही ना आ रहा, ये मेरी बात करी कि मैंने सच बता दिया तो जारी बात है लोग साथ सुनेंगे, मैंने सच बताया तो मुझे अर्जेंट मेरे व्यू आने शुरू हो गए, मेरे व्यू पर भी जल गई। हालांकि मेरा छोटा सा मासूम सा चैनल, वैसे अल्लाह ने इतना कुछ दिया हुआ है पर चैनल छोटा है, उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, लेकिन मेरे व्यू भी इसको जल गए। फिर आप यहाँ पे ये सोचो, जब जब इसने सोनिया को टारगेट किया, समझ आ गई आपको क्यों किया, मेरा सिस्टर को टारगेट कराया क्यों कराया, डोली को टारगेट कराया तो क्यों कराया, तेरा सिस्टर को टारगेट कराया तो क्यों कराया, समझ आ रही आप लोगों को। ये औरत नंगा नाच नाचती है, ठीक है ना, माजी में तो चलो नंगी जो नाची वो नाची, लेकिन ये हकीकत में नंगा नाच नाचती है यार। नंगा नाच 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 कर इसने ना सबको हटा दिया, सबके पीछे इसने गन किया, ड्रामा किया, इसने प्लानिंग की है। जो लोग अभी भी इस पे यकीन करके बैठे ना, नहीं 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 बड़ी सच्ची है, बड़ी अच्छी है, ना तो ये सच्ची है ना ये अच्छी है, बिल्कुल नहीं है। जैसे ये डेले मोटे मोटे घुमा घुमा के, अभी इससे पहले कह रही थी अपनी लाइफ में, कह रही थी मैं तो किसी के ऊपर बात नहीं करूंगी, मुझे क्या जरूरत है, फौरन फिर मेरे पे बात करने लग गई। एक बंदी झूठ बोल रही थी, मेरे पे वीडियो डाली, इसमें तो इतना वो नहीं है, दम नहीं है, इतना ये डरती है, इतना डरती है। और जब इसको वो आता ना थोड़ा सा, लोग इसको पुश करते हैं कि नहीं नहीं जाओ कुछ बोलो, फिर आती है फिर ऐसे करके ऐसे चीख चिला के बोलती है दम, फिर भी इसकी बातें सही समझ नहीं आती, खाली इसकी जबान छोटी हिलती भी बहुत समझ आती है। हंसी आ रही, मैं क्या करूं, इसकी हरकतें ही ऐसी है, ये ऐसी है। ये सितारा की वफादार नहीं है, इसने लाइव लगाई है, सितारा को ही नंगा किया, साजिद को नंगा किया, साजिद को दुश्मनों के मुंह में डाला, कौसर को मुंह दुश्मनों के मुंह में डाला, उसके अलावा सितारा को भी दुश्मनों के मुंह में डाला। इसको क्या थी, चुपका के बैठ जाती ना उसकी वीडियो, चुपका के बैठ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो। देखे ना आज सुबह सुबह उसकी वीडियो आ गई, वीडियो आई तो हमें वो अच्छी लगी, बिल्कुल सही लगी है। आयत को वो स्कार्फ पहना रही है और वहां पे अपना बेडरूम में बैठी है, भाई अपनी ब्रॉकली दिखाई है, टूटी टूटी पता नहीं झूला टूट गया क्या टूट गया, लाई जाने गमले पड़े हुए थे वो दिखाए हैं। फिर उसके लिए नजमा ने जो है खीर बनाई है, राइस बनाए हैं, आयत को खीर बहुत पसंद है, सबने बैठ के टीवी देखा है, साजिद खड़ा रहा है, फिर एंड में वो जी मोटरसाइकिल पे हस्बैंड एंड वाइफ और आयत बैठ कर सब लोग वहां पे चक्कर लगाया है क्योंकि कौसर के पास जाना था। अच्छा जी, ये सब चीजें हैं, लेकिन इससे है कि मुल्तानी को कैसे पता इनकी लड़ाई हुई, क्योंकि वो बड़ी ठोक ठोक के बोल रही थी, आज लाइव करेगी उसमें बैठ के बोल, देखा मैंने तो कहा था, देखा मैंने तो कहा था, उसकी लाइव उसकी ये हुई, लड़ाई हुई है, लड़ाई हुई है, माँ है ना ये, माँ इस लड़ाई करती, क्योंकि जैसे वो कहती है माँ है तो ये उनकी सकी माँ है, छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ से याद है, बड़ी माँ के जो हस्बैंड है उन्होंने भी जी एक सैड ब्रेकिंग न्यूज दे दी है, आप खुद सुन ले उनकी जबानी वो क्या कह रहे हैं, मैं भी सुनकर चौंक गई थी, आप भी चौंक जाएंगे। क्या बात है, जब इकामे का नाम लेते हैं तो आप कहते नहीं, बाद में बाद में। फिर उसने बोला एक मसला है तो वो मैं आपको कल बताऊंगा, तो आपकी बीवी जो है ना वो पाकिस्तान अभी नहीं जा सकती। मैंने बोला बताओ क्या है, तो जी इन्होंने पूरा व्लॉग बना दिया, पूरा व्लॉग बना के एंड में सोफे पे बैठ के कहा कि जी वो जो कामा बनाने वाले उसने नहीं बताया बीवी को, बड़ा मसला है, बीवी पाकिस्तान नहीं जा सकती। तो आप लोग सब मेरा कल व्लॉग देखना, मैं कल के व्लॉग में बताऊंगा। इनको भी दिलबर और सब लोगों की आदत पड़ चुकी है कि एंड में ही आके बताएंगे, लेकिन बताया फिर भी इन्होंने कुछ नहीं है। ये इन लोगों के सब व्यू लेने के चक्कर हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको बतानी भी ज़रूरी होती है। ओ हाँ जी, ओ हाँ जी।
चले जी मुल्तानी पे दोबारा से बात करते हैं हम लोग। ये वो बंदी है, अब जो लोग यहाँ पे सच बोल रहे हैं ना कि तारा ने ये कर दिया साजिद, ये वो बंदी है कि जब पेट अपना निकाल के दिखा रही थी कि साजिद प्रेग्नेंट हो गया है, कौसा प्रेग्नेंट हो गई है, ये वो बंदी है। ये मजाक में साजिद को भी ठोकती रही, तारा को भी ठोकती रही, कौसर को भी ठोकती रही, दिलबर बाबर नैना हो गई है या फिर रुबीना हो गई है, फिर वो सैमा होगी, सानिया, इस बंदी ने हर एक को ठोका है, हर एक पे बात करती रही है मजाक में, अपने दिल की भड़ासे निकालती रही या फिर करती है, मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो मजाक करती थी, बलून इसने लगाए हैं, मजाक इसने उड़ाया है, और अच्छा किया है कि अब आकर दिल पर बात घुमा यहाँ पे हर कोई बात घुमा के ही करता है, बात घुमा के ही करता है। और अगर ये कह अब वो ये कह रहे हैं कि सबको एक हो जाना चाहिए, तो नहीं दिल भाई, यहाँ पे आप रोंग हो कि कौन एक होगा भाई, आपकी सितारा ने सबको डिसऑन किया, आपकी सितारा ने कहा कि जाओ जाओ यहाँ से, सब इधर उधर चले जाओ, सब उड़ आगे, सब यूँ ना पंछियों की तरह उड़ आगे, तो जाने दो, आप चिल मोल में अपना काम करो, व्लॉगिंग करो, जो करना है वो करो। ये सितारा ने ही सबको अपने से दूर किया है ताकि आप लोग उसके नज़दीक हो सको, अभी कुछ दिन में आप भी उनके पास चले जाओगे, है ना जी, थोड़े थोड़े और रिश्तेदार हैं वो भी उनके पास चले जाएंगे, सब हैप्पी वहां पर रहेंगे, हैप्पी फैमिली बन के वहां पर रहेंगे, सितारा के पास रहेंगे। जैसे नजमा कह रही कुछ भी हो जाए आधी रात को तो हम भाग के दौड़ कर हम आएंगे उसकी हेल्प मदद करने के लिए। लो बताओ, इन लोगों ने सोच के पहले से रखा हुआ है कि अगर सितारा पे कुछ भी ऐसा होगा या होने वाला है तो हम पहले से बता दो भी, मैंने तो पहले ही कहा था कुछ ऐसा होगा, हम दौड़ते हुए आएंगे, देखो हम दौड़ते हुए आगे, चलो सितारा हमें शॉर्ट आउट दो या फिर चलो सितारा हमें पैसे दो, अब मैंने जो घर किराए पर ले रही हूँ उसका सारा खर्चा सितारा ने उठाना है। जो लोग कुछ कह रहे हैं ना कि मुल्तानी की बच्ची कह रही है, नहीं 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 नहीं, वो नहीं आ सकती है, उसने कहा है, उन्होंने कहा रेंट पे दो सब कुछ, यहाँ पे आप आके रहो, तो सितारा उनके पीछे खड़ी हो, सितारा ही सब कुछ करेगी उन लोगों के लिए। आ रही है समझ? इनको समझ नहीं आनी, पर हमारा काम है बताना, जो समझेगा तो समझेगा, जो ना समझेगा वो अना रही है भाई, हम क्या करें, हमने तो शुरू से लेकर 3 साल से अब तक जो जो बात कह के गए सब सामने आई है, सब सच्ची है, देर से लोगों को समझ आती है लेकिन आती जरूर है, फिर कहते हैं ठोको ताली जकिया कोई ना, आप सही बोल कर जाते हो, मेरा काम ही यही है, इनकी तरह नहीं, न्यूज़ दे दो, फेक न्यूज़ दे दो, न्यूज़ भी पढ़ने नहीं आती है, न्यूज़ कैमरे में देखना नहीं आता, अंधी औरत को, एक नंबर की अंधी औरत है, क्या करूँ यार, इतना गुस्सा मुझे आ रहा है। चले जी आएंगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ, मीठी मीठी रोस्टिंग के साथ, टेक केयर, लव यू, बाय गाइस।